एक्चुअली है फर्स्ट ऑफ सितंबर, और सितंबर में मतलब फर्स्ट सितंबर को ही मतलब चालू जाता है रशिया में जो भी एकेडमिक ईयर है। और आज अभी जा रहे हैं हम क्लास, और अभी उसके बाद जाएंगे हम जिम। चलो फिर क्लास चलते हैं। समर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, कल समर का लास्ट डे था, कल 31st of August था, और मतलब अगस्त, जुलाई अगस्त अब समर होता है, तो ऑफिशियली समर कल ख़त्म हो गया है। एक को मॉनिटर अपॉइंट करते हैं, मतलब जो बेस्ट स्टूडेंट होता है उसको मॉनिटर अपॉइंट करते हैं। लोग चेंज अप हो चुके हैं, ये हम लोग सब रेडी क्लास में जाने के लिए। और ये है हमारे कुछ ग्रुपमेट्स। हाँ, ग्रुपमेट्स भाई। ये है पॉल, धनंजय, प्रतीक, इसको देख लिया बोलना। हाँ, कट कर दूंगा, ठीक है। सुचिता, साक्षी, प्रियंका, सबका ले लीजिए। नो Как дела? Привет, хорошо. А как без вас каникулы? Каникулы были замечательные. Я гуляла с друзьями, купалась на озере, работала в стоматологии, так как я будущий стоматолог. So guys, this is Umana. She is actually from Belarus and she studies in this university, Smolensk University, and she is on dentistry faculty. Как был ваш первый день в университете? Я помню этот день прекрасно. Я получила свою зачетку из на фоне Смоленского государственного медицинского университета. Это все есть в моем инстаграме. В принципе, это очень запоминающий для меня день. और मतलब समर खत्म होने की वजह से अचानक से यहाँ पे ठंड बढ़ गई है। मतलब कल टेम्परेचर था दो दिन पहले 24 अराउंड, और अभी है आज 13 डिग्री सेल्सियस है। आज अचानक से मतलब क्लाइमेट में चेंज आ गया ये। और अभी मैं आया हूँ एक पार्क में, यहाँ एक पार्क, मतलब ये पार्क में ओपन जिम है, मतलब आपको जिम फ्री में करने मिलेगा यहाँ पे। और ये है पार्क, पार्क का नाम है पार्क स्लो नया रोशा। जिम मतलब फ्री है यहाँ पे, ओपन जिम है। आपके पास दो वेरिएंट है, अगर आप ओपन जिम में आना चाहते हो तो पार्क में से खुले में जिम कर सकते हो, और यहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्सेस भी है बहुत सारे, वहाँ पे आप पे करके जिम कर सकते हो। चलो फिर जिम देखते। थोड़ा अभी थोड़ा मौसम गड़बड़ आ गया, वापस थोड़ा सा वापस बारिश का बादल आ गए, थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश हो रहा है अभी। होप सो कि जब तक वर्कआउट करूँ तब तक बारिश ना हो, एक डेढ़ घंटे में हो जाएगा वर्कआउट। जिम मतलब पार्क के अंदर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अचानक ठंड बढ़ने की वजह से मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा, कि अचानक से 24 डिग्री से 13 डिग्री पे आ गया क्लाइमेट। और अभी मतलब क्लोथ चेंज प्लग कर लिया मैंने, जिम के कपड़े मतलब पहन लिए। और मतलब अगर आपको क्लोथ चेंज करने तो पीछे एक टॉयलेट भी है पार्क में, आप मतलब यहाँ आके चेंज कर सकते हो अगर आपको, अगर क्लोथ चेंज करना है। और मतलब अगर आपको ये पार्क का लोकेशन नहीं पता तो फिर मैं ये पार्क का जो लोकेशन है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पार्क का नाम है सोल ऑफ नया रोशा, ये मतलब 10 मिनट पे है। मतलब अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट लो तो फिर आपको लगेगा 10 मिनट, अगर चल के आओ तो आप, मैं ऐसे में चल के आया आज, फिर आपको लगेगा अराउंड 30 मिनट्स लगेगा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। तो जिम चलते हैं, वहीं पे जिम है। अभी पार्क थोड़ा खाली है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, ऐसे 2 बज रहा है, बाद में थोड़ी भीड़ बढ़ जाएगी शाम तक। और ये आ गया जिम, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे, थोड़ा जल्दी आ गया मैं, अच्छी बात है।
सब अच्छे से मतलब कर पाऊंगा एक्सरसाइज। कल मैं आया था ये जिम देखने, तब कल थोड़े ज़्यादा लोग थे क्योंकि शाम के टाइम पे आया था मैं, अभी सब कुछ फ्री है। कुछ ऐसा दिखता है जिम, बस डंबल्स नहीं यहाँ पे, बाकी सब है मोस्टली। स्टार्ट करते अभी वर्कआउट, अभी देखते हैं, बहुत मतलब 3 महीने का गैप पड़ गया मेरा भी जिम का, भी स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। अभी ठंड भी लग रही है थोड़ी, पर ये आउटडोर वर्कआउट का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये मैं कभी किया नहीं हूँ, आज मेरा एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है आउटडोर वर्कआउट का। मोस्टली मैं तो जिम में ही करता हूँ, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पे। चलो फिर वर्कआउट ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं। और मतलब अभी वर्कआउट हो गया है, ये ऑलमोस्ट मेरा था 3 मंथ्स के बाद वर्कआउट किया था मैंने, बहुत ही मतलब अभी रिफ्रेशिंग लग रहा है। और मतलब अगर आपको जिम में पैसे बर्बाद नहीं करने, मतलब वेस्ट नहीं बोल रहे, मगर अगर आपको देने नहीं है तो ये आप अगर ऐसे पार्क में आ सकते हो जिम करने, मतलब वर्कआउट करने, मतलब ये आप एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पे मतलब सारी मशीन सबको अवेलेबल नहीं, मतलब मिलेगी नहीं, सारे जो इक्विपमेंट जिम में मिलते हैं आपको, पर ऑलमोस्ट आपको सब मिल जाएगा, मतलब 90% तो यहाँ पे आपको सब कुछ हो जाएगा। कवर जिसको मतलब फिटनेस के लिए आना है वो यहाँ पे आ सकता है, ऑप्शन है आपके पास कि ये फ्री है। अगर आप कोई जिम में आते हो तो आपको पे करना पड़ता है वहाँ पे, पर यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है, अगर विंटर्स में स्नो में पता नहीं जिम कैसे कर पाते हैं लोग। मैंने एक दो लोग से पूछा पर वो लोग बोले कि जैकेट में जिम कर लेते हो लोग। बहुत हवा बह रही है आज, और ये पार्क में एक छोटा सा पॉन्ड भी है शायद से, वो वहाँ पे देख सकते हो आप, वहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है, बाहर एक बोर्ड लगाया है, मैं देख के आया था उसमें स्विमिंग प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। और ये कुछ ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके आप उस तरफ जा सकते हो, बहुत ही बड़ा पार्क है। और यहाँ पे चेंज करना है, टॉयलेट है यहाँ पे, चेंज करते थोड़ा फिर निकल जाते। एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं हम, यहाँ ही पे है वो, वो एक्चुअली शेफ है, वो मतलब इंडियन फूड बनाते हैं, रशियन मतलब बंदा रशियन ही है, वो इंडियन फूड बनाते हैं, तो देखते हैं उसके पास जाते हैं आज। Как дела, Виктор? Хорошо, Джоян. Привет, Джоян. Да. Вот ये कैफे के अंदर आ गए हम। ये कुछ इंडियन खाना बना दे। ये विक्टर। गणेश मूर्ति। सच्चा गणेश फेस्टिवल हुआ इंदी। Да? Да. Сейчас 31 август до 7 сентября. Да. Понятно. Кой кастомер आ गया? Ну, можно, не знаю, как сказать. Да. Вот ये कुछ ग्लास। Чай बन गई है, खुशबू अच्छी आ रही है चाय की, एकदम लड्डू बेसन। Это бесен ладу, да? और ये बना रहे बेसन के लड्डू, अभी बेसन के लड्डू बनाए, बहुत ही अच्छे हैं, मैं खा के देखा हूँ अभी। और ये घी यूज करते हैं, और ये बनाते छोले भी, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप यहाँ आ सकते हो। मतलब ज़्यादा लोगों को इस दुकान के बारे में पता नहीं है, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर लोकेटेड है हॉस्टल से, इसलिए ज़्यादा कोई आता नहीं यहाँ पे। अगर आपको आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये मतलब मैं लोकेशन डाल दूंगा ये दुकान की मैं अपने यूट्यूब की वीडियो के नीचे। और ये बना रहे हैं लड्डू बेसन के, कुछ लड्डू बन गए हैं यहाँ पे, एकदम चमक रहे लड्डू, देख के खाने का मन कर रहा है मेरा। लड्डू एक लड्डू ले लिया है इन्होंने, फ्री में दे दिया है। अब आपको विजिट करना है तो ये शॉप में आ सकते हो आप,
इंडियन मतलब आपको बेसन के लड्डू मिलेंगे, अगर छोले बनाए हैं तो छोले भी आपको ये बना के दे देंगे, और चाय भी मिल जाएगी आपको, इंडियन टी क्लासिकल मसाला चाय। Русские люди тоже очень много любят, да, это? No, not. I'm, Russian people not understand this. When I tell about this, тогда они купят. Тогда они покупают. Они понравится? Конечно. Вкусно. Да-да-да, вкусно. Guys, I... Look, you can look the quality of the ladus. I have bad English, but I have good ladu. Yeah. Please do visit him. Ну, пока-пока. Пока-пока. Все. Пока. Ну, спасибо для чая и ладу. Ну, अभी दिन खत्म हो गया आज का, बज रहे अभी 7:30, अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल, और मतलब आज का दिन कुछ ऐसा था, जिम गए, क्लास गए, और फिर कुछ दोस्त से मिलने गए। कोई ठंड भी बढ़ गई है, पर ये मौसम को यूज़ होने को थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाएगा ठीक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और ठीक है, बाय।